नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज अभी समर चल रहा है, मतलब कि समर की सीजन है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट के अंदर वाटरमेलन जो है वो मिलते हैं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है वाटरमेलन बेनिफिट्स, मतलब कि सस्ते में सस्ता जो चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ 15 रुपये केजी या कहीं कहीं तो 10 रुपये केजी, ये जो वाटरमेलन है इसके हम बेनिफिट्स आज बनाने वाले हैं। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा आज वाटरमेलन का जूस पी लेती हूँ, फिर इसके बाद आपको बेनिफिट्स बताती हूँ। तो वाटरमेलन जो है इसके अंदर 92% वाटर होता है, और अगर हम बाहर से पानी की बॉटल अगर लाए तो वो भी 40 रुपये की आती है या 30 रुपये की आती है, और इसके अंदर तो बिल्कुल इतना सारा 92% पानी भरा हुआ है, इतना लाल होता है कि इसके तो फायदे जो है वो भी बहुत ही अनगिनत है। इसके अंदर जो सीड्स होते हैं उसको हम मेलन के सीड्स बोलते हैं, और वो भी हमारे हेल्थ सेंटर पे उपलब्ध है, क्योंकि ये जो मेलन के सीड्स है इसके इसको हम भिगो के इसके हम दूध बना सकते हैं, और इससे हम मिठाई भी बना सकते हैं, पेंडे भी बना सकते हैं, लड्डू भी बना सकते हैं, बर्थडे में केक भी बना सकते हैं। तो केक की भी वीडियो हमने बनाई है कि मेलन के सीड से कैसे केक बनती है। और इतना ही नहीं, बर्थडे में जब केक कट करते हैं इससे डिफरेंट हमने वाटरमेलन कट करके भी बर्थडे सेलिब्रेट किया है, तो वो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में देखोगे कि कैसे वाटरमेलन को कट करके हम सारे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हम वाटरमेलन खाने को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर न्यूट्रिशन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, विटामिन है, जितने भी हमारे शरीर के अंदर विटामिन्स की जरूरत होती है वो सारे के सारे विटामिन्स इसके अंदर होते हैं। तो आप कभी ऐसा भी कर सकते हो कि 2 दिन या 4 दिन या 10 दिन या 15 दिन वाटरमेलन खाओ, सुबह दोपहर शाम रात सिर्फ वाटरमेलन खाओ, और ये जो वाटरमेलन है उसका जूस बना के भी पियो या फिर काट के भी खाओ। और कहीं कहीं जगह पे तो अलग अलग स्ट्रिप्स वाले, मतलब कि उसके ऊपर पट्टे दोरे होते हैं, ईश्वर ने, परमात्मा ने ही ऐसे कलरफुल बनाया होता है, तो ऐसे पट्टे पट्टे वाले भी वाटरमेलन मिलते हैं, छोटे हो, बड़े हो, फीके हो, मीठे हो, जैसे भी वाटरमेलन आपके यहाँ पे मिलते हो तो आप वाटरमेलन के फास्ट पे रह सकते हो। मैंने ऐसा देखा है कि कहीं कहीं घरों में किसी के यहाँ पे उपवास हो तो उपवास में मोरैया खाते हैं या फिर आलू की सब्जी बॉईल करके खाते हैं या राजगरा का सीरा बना के खाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। फास्ट अगर किया हो, संडे हो या मंडे हो, कभी भी फास्ट किया हो तो आप वाटरमेलन के ऊपर रहोगे तो पेट को बहुत ही ठंडक मिलेगी। किसी को एसिडिटी हुई हो तो आइसक्रीम खाने जाते हैं, दूध पी लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। एसिडिटी हुई हो तो वाटरमेलन ले आओ और इसका जूस बना के पी लो। अभी आपके साथ बातें करते करते मेरे मुंह में फिर से पानी आ जाता है, और मुझे जो है वो इसका कलर इतना पसंद है, इसका टेस्ट इतना पसंद है, इसके गुणधर्म इतने पसंद है कि हम पिए बिना नहीं रह सकते। अगर ग्रीन जूस उपलब्ध नहीं हो तो आप वाटरमेलन का जूस भी पी सकते हो। अगर आप सुबह सुबह में जूस बनाने का टाइम नहीं है तो सुबह सुबह आप वाटरमेलन काट के भी खा सकते हो। ये इतना अच्छा हेल्दी फूड है कि इससे कैंसर भी दूर हो सकता है, डायबिटीज भी क्योर हो सकता है, अस्थमा भी क्योर हो सकता है, इनडाइजेशन हो गया हो तो भी आप पी सकते हो, और गर्मी के सीजन में शरीर में से पानी कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए भी आप वाटरमेलन खा सकते हो या पी सकते हो। दोपहर में आप रोटी सब्जी खाओगे, दाल चावल खाओगे तो आपको बहुत प्यास लगेगी। अगर आप 1 kg या 2 kg वाटरमेलन खा लोगे तो इसके बाद पानी की प्यास नहीं लगती है। तो वाटरमेलन जो है वो ईश्वर बनाता है,
कई कई लोग ऐसा बोलते हैं कि इसके अंदर इंजेक्शन डाल के रेड कलर डाल के रेड कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुदरत ही इतना रेड कलर से भरपूर बनाते हैं। अगर इसके अंदर जो बीज है वो भी कोई चबा के खाना खा सकता है तो खा सकते हैं। अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग ये जो इसके दाने हैं सीड्स है वो नहीं खाना चाहते, उसको भी मिक्सचर में उसको पेस्ट करके उसको भी छन्नी से छान के उसका भी दूध निकाल के फ्रेश का भी पी सकते हैं। तो ये अमूल्य चीज है, कभी भी पी सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि शाम को 6 बजे के बाद हम वाटरमेलन नहीं खा सकते हैं। रात को 12 बजे भी सोते हो तो भी आप वाटरमेलन का जूस पी सकते हो। सुबह से मेरा आज ड्राई फास्टिंग था, कोई जूस नहीं पिया था, कोई पानी नहीं पिया था और डायरेक्ट ये वाटरमेलन का जूस पी रही हूँ। लेकिन ये एक ग्लास नहीं, मैं 4 ग्लास पीती हूँ ब्रेकफास्ट के अंदर। दोपहर के 12 बजे 1 बजे जब भी भूख लगती है, मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो भी ये तरबूज का बोतल का जूस बना के लेके जाती हूँ, या तो फिर किसी के घर जाती हूँ तो उनको भी पूरी की पूरी उनके लिए भी बोतल लेके जाती हूँ। तो ये जो जूस है इसके भी बहुत लाभ है। पेट में आप पानी पियोगे तो आपको बार बार यूरिन करने जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वाटरमेलन खाओगे तो ऐसा नहीं होगा। हमारी किडनी को भी ये मजबूत बनाता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि किडनी के पेशेंट को 1.5 लीटर या 2 लीटर ही लिक्विड जाना चाहिए, तो उन लोगों को पानी की जगह, दूध की जगह, कॉफी की जगह या फिर चाय की जगह पे ऐसा वाटरमेलन का जूस पियेंगे तो उनकी किडनी जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगी। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो, बहुत ही टेंशन रहता हो, तो उन लोगों को भी डरने की जरूरत नहीं है। 3 लाख का 4 लाख का बाईपास करवाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 वीक आप वाटरमेलन ट्राई कर लीजिए और ये कितना टेस्टी है। ऐसा तो है नहीं कि इसमें हमें शुगर डालनी पड़ेगी। अगर हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है तो हम जूस बनाते हैं तो मतलब कि बाहर का जो लिक्विड मिलता है ऑरेंज कलर का या रेड कलर का, पाइनएप्पल फ्लेवर का, वैसे कलर कलरफुल ऐसे चाशनी वाले खांड शुगर की चाशनी वाले बॉटल मिलते हैं, तो वो हमें किसी को पिलाए, इससे अच्छा है कि ये नेचुरल शुगर है, इससे कोई डायबिटीज भी नहीं बढ़ता है, इससे मीठापन जो है वो नहीं बढ़ेगा। तो मस्कुलर पेन अगर हुआ हो तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। फास्ट रिलीफ के लिए आप पूरा दिन वाटरमेलन पी लो या वाटरमेलन खा लो तो पेट जो है वो स्वस्थ भी हो जाएगा और आपको कहाँ पे पेन हो रहा था वो भी आप भूल जाओगे। पेट जो है वो पूरा का पूरा जो है वो तरबूज से भर दोगे तो पेट तरबूज के जैसा बड़ा नहीं होगा, लेकिन तरबूज जैसा बड़ा जो पेट हो गया है वो छोटा हो जाएगा। तो वेट लॉस का भी काम करेगा। जिसको भी वेट लॉस करना है तो वो तरबूज के ऊपर रह सकते हैं। तरबूज अनलिमिटेड खाना है, सुबह शाम दोपहर रात पेट भर के आपको वाटरमेलन खाना है। अगर आप बोलोगे कि हम ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं या फिर जॉब पे हैं, बिजनेस करते हैं तो कैसे वाटरमेलन खाए, तो इसके लिए आप जो छोटे वाले वाटरमेलन आते हैं वो साथ में ले जाइए। जब भी भूख लगे तो काट के उसको खा लीजिए। और हम तो जब वाटरमेलन खाते हैं तो इसका इसके लिए हम प्लेट नहीं यूज करते हैं या कुछ भी डिश भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम वाटरमेलन का जो पूरा का पूरा हमारा ये जो तरबूज है इसको हम पूरा का पूरा यहाँ से आधा काट के चम्मच के साथ हम खा लेते हैं और इसको ही हम कटोरा बना लेते हैं, तो बर्तन घिसने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी तो हम रोटी सब्जी दाल चावल बनाएंगे तो कुकर और तपेली और पतेली और कितने सारी कढ़ाई थाली इतना सारा जो है वो किचन भर जाता है बर्तन घिसने में। लेकिन वाटरमेलन खा लो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वाटरमेलन खाने के बाद फिर 2 घंटे के बाद भूख लग जाएगी, तो कोई बात नहीं, फिर से वाटरमेलन खा लीजिए, बहुत मजा आती है। जब भी हम
रोटी खाते हैं तो रोटी जो है वो हैवी भोजन है, तो वो खाने के बाद 6 घंटे 8 घंटे तक भूख नहीं लगती है, लेकिन ये जो है वो जल्दी से हजम हो जाता है, तो हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगी और डाइजेस्टिव सिस्टम भी बढ़ेगी, और पेट के ऊपर जो बहुत सारे लेडीज को या जेंट्स को इतनी सारी फैट होती है वो भी चली जाएगी, और पेट भर के खाना है, ऐसा नहीं है कि 1 किलो ही खाना है 2 किलो ही खाना है। आज मुझे एक बहन का कॉल आया था कि आप मुझे पर्सनल डाइट दीजिए या पर्सनल आप मुझे कुछ कंसल्टिंग कीजिए, तो हमने कहा कि ऐसा पर्सनल कंसल्टिंग कुछ भी नहीं होता है, ढेर सारा फ्रूट ले आओ पेट भर के खा लो, जो सीजनेबल है रीजनेबल है नेचुरल है ओरिजिनल है वो खाना है, इसमें हम आपको क्या कहे कि पर्सनल कंसल्टिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर काऊ जो होती है वो खेत में जाती है तो उसको तो खेत के मालिक या काऊ के मालिक ऐसा नहीं कहते हैं कि आज 250 ग्राम ही ग्रास खाना या आज 500 ग्राम ही घास खाना, ऐसा तो कुछ बोलते नहीं है, उनकी मर्जी हो उतना खा लेते हैं। एक इंसान को ही डाइट प्लान की जरूरत पड़ती है कि 1 किलो तरबूज खाए, कितने बजे तरबूज खाए, कितना लीटर जूस पिए, कितना पियेंगे तो किडनी ठीक हो जाएगी, कितना पियेंगे तो लीवर ठीक हो जाएगा, कितना जूस पिए तो हार्ट ठीक हो जाएगा, ऐसे कोई लीटर पूछने की जरूरत नहीं है, 1 ग्लास पियो, फिर पेट को पूछो कि चाहिए दूसरा ग्लास, अगर हाँ बोले तो दूसरा पी लो, फिर भी अगर आपको मन होता है कि तीसरा ग्लास भी पीना है तो भी पी लो, जो नेचुरल चीज होती है इसमें हमें संतुष्टि मिलती है, तो दिल जो है दिमाग जो है पेट जो है उसको संतुष्टि हो जाएगी, बस 3 या 4 ग्लास पी लिए, और ये सबसे सस्ता है, ऐसा नहीं है कि महंगा है, आप कितने भी लाओगे फिर भी आपको जेब को जो है वो भारी नहीं पड़ेगा, और ये जो है वो बहुत ही कम दाम में ही मिलता है। मैं तो आपके साथ बात करते करते पूरा जूस में पूरा फिनिश कर दिया, लेकिन आप भी ये वीडियो देखने के बाद तुरंत मार्केट में जाइए, या तो फिर हमारा जो एजेंसी है सुजाता की वो आप मंगवा लीजिए, आज ही जूस बनाना चालू कीजिए और जूस पीना चालू कीजिए, और ये ही वीडियो में हम आपको ये भी बता देंगे कि हम वाटरमेलन के कैसे जूस निकालते हैं वो भी आप देख सकते हो। मेरा तो पूरा का पूरा 500 ग्राम का 500 ml का ये जूस जो है वो पूरा हो गया, और हम जब भी वाटरमेलन लेने जाते हैं तो 50 kg या 80 kg लेके आते हैं, ये 10-15 दिन तक खराब भी नहीं होते हैं, फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो बॉडी है जो वाटरमेलन की बॉडी वो ही भगवान ने इतनी मजबूत बनाई है कि अंदर हुआ पानी
वो उसके अंदर अच्छी तरह से भगवान जो है वो भर के रखते हैं। तो ये जो है वो वाटरमेलन इतना इतना हेल्दी चीज है कि आप भी अगर 4-5 ले आओगे तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और पीने की और खाने की मजा आ जाएगी। आप एक बार ट्राई कीजिए कि ऑफिस से घर आने के बाद रोटी सब्जी खाइए और फिर टीवी देखिए, तो पेट जो है वो भारी हो जाएगा। और एक दिन ऐसा कीजिए कि 2 किलो तरबूज खा लीजिए तो पेट हल्का हो जाएगा। न्यू डाइट सिस्टम करते हो तो भी, नहीं करते हो तो भी, तरबूज खाते हो तो भी, नहीं खाते हो तो भी, एनीमा कंपलसरी करना है। तो आपके घर में कभी भी एम्बुलेंस नहीं आएगी, कभी भी मेडिकल स्टोर नहीं जाना पड़ेगा, कभी ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। तो आज ही मैंने एक भाई से बात की थी तो उन्होंने कहा कि बाथरूम बनाने का 1 लाख का खर्चा होता है, लेकिन ये खर्चा वेस्ट है। अगर आपके बाथरूम में एनिमा पॉट होगा तो ही आपका बाथरूम कंप्लीट है। तो बाथरूम के अंदर एनिमा लगा दीजिए, पूरे साल वहां पे ही रखिए, और लेफ्ट साइड पोजीशन में, राइट साइड पोजीशन में या डॉगी पोजीशन में आप एनिमा कीजिए। सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी कीजिए। और ये जो एनिमा है वो अगर बहुत मोटे लोगों को करना हो तो इसके लिए हम सॉफ्ट कैथेटर रखते हैं और इस ऐसी भी कैथेटर रखते हैं कि जो भारी बॉडी हो वो इजीली एनीमा कर सकेगा। तो ये रेड रबर की कैथेटर आएगी, तो आप व्हाट्सएप से मैसेज करके हम भाई बता सकते हो कि आपको रेड रबर कैथेटर चाहिए। तो ये जो कैथेटर है वो बहुत ही इजी है। अगर किसी को ऐसा रोग हो, बीमारी हो, गर्मी लग गई हो, शरीर में हीट लग गई हो, तो ये जो वेट पट्टी है वो गले के ऊपर या पेट के ऊपर या सर के ऊपर लपेट के, कमर के ऊपर, सभी जगह पे लपेट के आप 30 मिनट तक सुबह या शाम या दोपहर या रात बैठोगे तो शरीर के अंदर जितनी भी गर्मी है वो सारी निकल जाएगी। अगर आप ऐसा इच्छते हो कि आपकी स्किन जो है वो टमाटर जैसी लाल रहे या तरबूज जैसी लाल रहे, तो रोटी खाना बंद कीजिए और टमाटर या फिर ये जो रेड वाटरमेलन है वो खाना चालू कीजिए, तो ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्किन के ऊपर कभी पिंपल्स नहीं होगा और ब्यूटी पार्लर का खर्चा बच जाएगा। फेशियल करवाने जाते हैं तो 1,000 रुपया होता है, तो 1,000 रुपये में सोचिए कि पूरा रूम भर के वाटरमेलन आ जाएगा। और अगर आप एक एक इंसान फेशियल करवाएगा तो सिर्फ उसको ही 2 दिन तक ग्लो रहेगा, लेकिन अगर पूरे घर के सारे लोग 1,000 रुपये का वाटरमेलन खा जाएंगे तो पूरे के पूरे घर के सारे लोग जो है वो चमकने लगेंगे। पैरों में जलन हो, छाती में जलन हो या पेट के अंदर जलन हो, गुस्सा आता हो, क्रोध आता हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप वाटरमेलन खाइए और इसके साथ साथ में एनीमा कीजिए और इसके साथ साथ में वेट पट्टी लगाइए, तो आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। अगर आपको मिलना हो अहमदाबाद के नारणपुरा में तो यही व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमें मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।